Hi everyone, good morning. I am Ramcho Chaudhary, Crown Director and Investee from Visnagar, Gujarat. जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, last time पहला part मेरा जो मैंने release किया था उसके अंदर मैंने company की Visnagar company क्या है, उसकी profile क्या है, company कब start हुई थी, company के पास कितनी products है, company की quality कैसी है, सिर्फ आप product use करोगे तो आपको कितना benefit होगा और वगैरह वगैरह मैंने आपके साथ बहुत सारा sharing किया था दोस्तों. और आज मैं आपके साथ आया हूँ विस्टिज प्लान को लेके कि आप विस्टिज प्लान को कैसे समझ सकते हैं, किसी और को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और हाउ टू अचीव योर ड्रीम. विस्टिज प्लान में से आप काम करके कैसे आपके सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों. जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं काफी टाइम से विस्टिज के साथ जुड़ा हूँ और छोटी ईयर्स में, यंग एज के अंदर मैंने मेरे बहुत सारे ड्रीम विस्टिज बिजनेस में से अचीव किए हैं. तो आप भी आपके सपने कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों. जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हमारे सबके बहुत सारे ड्रीम होते हैं और वो ड्रीम कहीं ना कहीं हम पूरा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है लाइफ के अंदर कि जिसपे चल के वो जल्दी से जल्दी हमारे ड्रीम को अचीव कर सकते हैं. जैसे कि ड्रीम की बात को तो मैं वापिस आपको एक बार अगेन कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, जैसे कि स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, दान पुण्य, मान सम्मान, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारी लाइफ निवृत्त हो तो भी हमें कोई फिक्र ना हो, हमें टेंशन ना हो इनकम का. तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, लेकिन तीन ड्रीम कॉमन होते हैं और वो सबकी लाइफ के अंदर होता है. पहला सपना होता है घर, कार और आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन ट्रिप. ये फ्रेंड्स एक कॉमन ड्रीम होते हैं और आई थिंक सबके होते हैं और कहीं ना कहीं आपके भी होंगे. सो फ्रेंड्स एक बार जरूर अपने आप को पूछना कि क्या आप जो कर रहे हो, क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अपने सपनों तक आपको पहुंचा देगा. क्या आपके पास कोई रास्ता है, क्या आपके पास कोई बिजनेस है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो दोस्तों आज ध्यान से मेरा प्रेजेंटेशन देखना और फिर आपको अगर अच्छा लगता है कि सही में आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ तो आप कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टाइम कोविड सिचुएशन जब हुई, कोरोना कि केसेस बढ़े और उसके बाद लॉकडाउन हुआ और उस दौरान कंपनी के 16 साल कंप्लीट हुए थे, उसके बाद कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया और वो उस प्लान का नाम है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान. जी फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे प्रॉपर वे से काम करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं विस्टेज के अंदर. तो हम देखेंगे वो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान क्या है और कैसे काम करता है. जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि इस प्लान के अंदर कंपनी 9 टाइप की आपको इनकम देती है. अलग अलग हम समझेंगे कि वो कौन सी 9 टाइप की इनकम है. पहली इनकम जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, रिटेल डिस्काउंट 10-20% कंपनी आपको देती है. जैसे कि हमारी प्रोडक्ट कंपनी के पास 400 से ज्यादा रेंज है तो कंपनी आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10-20% रिटेल प्रॉफिट आपको देगी. डीपी अलग होगा, एमआरपी अलग होगा, तो उस पे आपको 10-20% बेनिफिट मिलेगा. सेकंड इनकम जिसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम कैशबैक भी बोल सकते हैं, जैसे कि वो आपको मिलेगा 5-11%. जैसे कि आप जुड़ते हो कंपनी के अंदर तो आपका 5% लेवल होता है, धीरे धीरे बढ़ के वो 11 तक पहुंचता है. तो आप उन दौरान जो भी आप सामान अपनी आईडी के अंदर लेते हैं उसका आपको 5-11% बेनिफिट आपको हर महीने 10 तारीख को आपको कैशबैक मिल जाएगा. जी हाँ, उसी तरह आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. आगे जाके कंपनी और इनकम ऐड करती है जिसको बोलते हैं ब्रांच डायरेक्टर बोनस. वो आपको कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर में से 4% इनकम आपको देती है जो आपको ब्रांच डायरेक्टर बनने के बाद मिलती है. वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको मिलेगी, आप ब्रांच कैसे बन सकते हैं, कब बनोगे. उसी तरह आगे बढ़ते एक नई इनकम ऐड होती है, लीडरशिप ऑर्डरिंग बोनस. जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप काम करते जाओ वैसे आपकी टीम भी बड़ी होती है और उसके बाद आप एक लीडर क्रिएट होते हैं और लीडर के उसको बोलते हैं हम लीडरशिप ऑर्डरिंग बोनस, 16% जो आपको कंपनी देती है. इसी तरह बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको 14% मिलता है और इसी तरह ट्रैवल फंड आपको 5% मिलता है. इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं तो कार फंड आपको 5% मिलेगा. इसी तरह हाउस फंड आपको 3% मिलेगा और
आगे जाके एक और नई कंपनी ने इनकम लॉन्च की है, उसको बोलते हैं ई लाइट क्लब बोनस, जो आपको डीसीडी एंड अबव के लोगों को मिलता है, वो 2% इनकम मिलेगी। जी फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे दो इनकम ऐसी है जो आपको वन टाइम क्वालिफाइड करना है, क्वालिफिकेशन वन टाइम का है, आपको लाइफ टाइम तक वो इनकम आती रहेगी, वो है कार फंड और हाउस फंड, तो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा आगे। तो हम देखते हैं ये नौ टाइप की इनकम आपको कैसे मिलेगी, तो और उसको लेने के लिए आपको ये चार्ट समझना जरूरी है, और ये अगर आपने इस चार्ट को प्रॉपर वे से समझ लिया फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आपके लिए ये बिजनेस समझना आसान हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये क्या है परफॉर्मेंस बोनस। हम यहाँ पे जैसे कि आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस चलता है पीवी पे। पीवी का मीनिंग होता है पॉइंट वैल्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पीवी की वैल्यू होती है 30 रुपीज अप्रोक्सली। जब भी आप कोई भी वेस्टेज का सामान यूज करते हो, आपकी आईडी में परचेस करते हो, तो मतलब कि आप अप्रोक्सली 30 रुपए का सामान लोगे तो आपको एक पीवी अप्रोक्सली मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई भी बंदा एक पीवी से स्टार्ट करता है, 599 पीवी का वो काम करेगा, तब तक उसका लेवल रहेगा 5%। मतलब कि 30 रुपए से लेके मान लो 18,000 का वो बिजनेस करेगा, तब तक उसका लेवल रहेगा 5%। अब जैसा ही 600 पीवी हो जाता है तो वो पहुंच जाएगा 8%। अब आपको जो कमीशन मिलेगा, जो पहले जो कैशबैक मिलता था वो 5% के अनुसार मिलता था, अब आपका लेवल हो गया 8%, तो अब आपको 8% के हिसाब से मिलेगा। तब 2399 तक का आपका लेवल रहेगा 8%। जैसे ही आपका पीवी 2400 हो जाता है तो आप पहुंच जाते हो 10%। 5499 पीवी तक आपका लेवल रहेगा 10%। 5500 पीवी जैसे ही हो जाते हैं आप पहुंच जाते हो कंपनी के अंदर 11%। और 11% का मतलब होता है कि आप बन जाते हो कंपनी के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रांच डायरेक्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रांच डायरेक्टर मतलब कि आप बन जाते हो कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के पार्टनर, और आपको फिर उसके बाद ब्रांच डायरेक्टर बोनस मिलना स्टार्ट होता है। अब मैं आपको, आपके दिमाग के अंदर दो सवाल चलते होंगे अभी देखने के बाद, कि जैसे कि आपने काम स्टार्ट किया, आप 5 से लेके 8 पहुंच गए, 8 से लेके आप 10 पहुंच गए, 10 पहुंचने के बाद मान लो कि आपके घर में मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो गया, आप घर से बाहर नहीं निकल पाए, जैसे कि लॉकडाउन मान लो हो गया, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपके घर में कोई फंक्शन आ गया, आप टाइम नहीं दे पा रहे वेस्टेज के अंदर, तो आपका लेवल यहाँ पे, और आपका लेवल तो 10 था, लेकिन बट अगर आपने काम नहीं किया 2-3-4 महीने भी, तो आपका लेवल 10 से 8 और 8 से 5 नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लेवल वही सेम रहेगा। जब भी आप वापस स्टार्ट करोगे काम, तो वहां से उस जो भी लेवल आपका होगा वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे डिमोशन नहीं होगा, आपका ऑलवेज प्रमोशन होगा। जी फ्रेंड्स, अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि मान लो आप 11% तो पहुंच गए, और 11% मतलब क्या, ब्रांच डायरेक्टर, लेकिन ब्रांच डायरेक्टर बनने के लिए हमें कितना बिजनेस करना पड़ेगा तब जाके हम ब्रांच डायरेक्टर बनेंगे। तो एक पीवी का वैल्यू होता है 30 रुपीज अप्रोक्सली। अब आपको कितने पीवी करना है, 5500 मतलब 5500 पीवी करना है, तो 5500 × 30 करेंगे तो अप्रोक्सली 11% पहुंचते पहुंचते आपका टोटल 1,65,000 अप्रोक्सली आपका टर्नओवर होगा, तब जाके आप 11% पे पहुंचोगे। और 11% का मतलब होता है आप बन जाते हो कंपनी के अंदर ब्रांच डायरेक्टर, और आपको लाइफ टाइम 11% कैशबैक मिलता रहेगा आप जो भी सामान यूज करोगे उसका। अब और एक अब आपको मैं कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि लास्ट बहुत सालों से आपके घर में, कितने सालों से आपके घर में तेल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, एग्री केयर, सभी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो है हमारे घर के लिए एसेंशियल है, हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, वो सभी प्रोडक्ट हम सालों से यूज तो करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमने अभी तक कितने रुपीज का सामान लाया होगा, कितने लाख रुपीज का लाया होगा, कितने हजारों रुपीज का सामान लाया होगा? क्या आपको फ्रेंड्स कोई कैशबैक मिलता है, क्या आपको कोई क्वालिटी मिलती है, क्या आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, क्या आपके पास कोई काउंटिंग है, क्या आपने कोई सेविंग किया? तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा यहाँ पे काम करे या ना करे, लेकिन सामान भी यूज करता रहेगा ना, तो भी उसका लेवल यहाँ पे
हर महीने बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वो ऐसे ही 1,65,000 का टर्नओवर अगर हो जाता है उसके घर के अंदर, तो अभी वो 11% पहुंच के बॉन्ड डायरेक्टर तो बन ही जाएगा, और उसको लाइफ टाइम तक 11% बेनिफिट कैशबैक तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो अगर काम करता है तो आगे की जो इनकम एडिशनल है वो तो ऐड होगी ही होगी। चैप्टर्स हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 11% पहुंचते कंपनी ने यहाँ पे आपको 2 शॉर्टकट भी दिए हैं, वो हम जानते हैं कौन से शॉर्टकट है कि जिससे आप जल्दी से ये लेवल अप कर पाओ। तो उसमें पहला शॉर्टकट है फास्ट 8% के लिए, और वो है अगर आप ज्वाइन होते हैं उसी महीने के अंदर 282 पीवी कर लेते हैं। अगर आप नए हैं और उसी महीने के अंदर 282 पीवी कर लेते हैं तो आप सीधा पहुंच जाओगे 8%, और आपको मिलेगा 8% का डायरेक्टली लेवल मिल जाएगा। और वहां के क्या और एडिशनल बेनिफिट है वो मैं और आपको बताऊंगा। अब वैसे तो आपको कितना पीवी करना पड़ता है, 599, लेकिन आप एक ही महीने के अंदर 282 पीवी करते हो सीधा 8% के लिए आप पहुंच जाते हो। उसी तरह अगर आप फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 4500 पीवी एक महीने के अंदर करना है। वैसे तो आपको कितना पीवी करना पड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5500 पीवी, लेकिन एक ही महीने के अंदर आप 4500 पीवी से ज्यादा कर लेते हो तो सीधा पहुंच जाओगे आप फास्ट ब्रांच डायरेक्टर। मतलब कि वो 1,65,000 का यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको टोटल बिजनेस करना होता है, लेकिन आप एक ही महीने के अंदर 4500 पीवी, मतलब कि आप 130,000 अप्रोक्सली अगर आप बिजनेस कर लेते हो एक ही महीने के अंदर तो आप बन जाओगे फास्ट स्टार ब्रांच डायरेक्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको शॉर्टकट। अब कंपनी का एक सिस्टम है, और अगर उस सिस्टम के अनुसार आप काम करते हो तो आप फास्टली 1-2-3 महीने के अंदर भी ब्रांच डायरेक्टर बन सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, वो आप पर डिपेंड है, वो सिस्टम आप कितना फॉलो कर सकते हो कैसे कर सकते हो हम देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, जैसा कि आपने देखा मेरा पार्ट वन वीडियो देखा, दूसरा देखा, और कहीं और मीटिंग के अंदर आपने विस्तृत के बारे में देखा और आपको अच्छा लगा, आपने मान लो 2000 आपको लगा कि यह कंपनी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, चलो मैं मेरे लिए सामान लेके स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो आपने 2000 का मिनिमम आपकी चॉइस के आप प्रोडक्ट लेके आपने स्टार्ट किया तो आपको मिलता है मिनिमम 60 पीवी। जैसे कि एक पीवी का वैल्यू होता है 30 रुपीज अप्रोक्सली, आपने 2000 का सामान लिया तो 60 पीवी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मान लो आपका कोई दोस्त और आपका लेवल रहेगा 5%। जी हाँ फ्रेंड, आपका लेवल तो स्टार्टिंग है और आपने 60 पीवी का सामान लिया तो आपको लेवल तो 5% ही रहेगा। अब मान लो आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है ए, ए फॉर कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे कि अजय नाम है आपका कोई दोस्त है, अजय आपका पड़ोसी है, उसके घर पे आप गए, उसको हमारा सामान दिखा या वो आपके घर पे आया और आपके घर में कुछ वेस्टेज का सामान देखा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट पड़े थी और उसने बोला कि ये प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी के है, तो आपने जरा इंफॉर्मेशन दी उसको, ये यस ये वेस्टेज कंपनी की प्रोडक्ट है, अच्छी आती है, क्वालिटी अच्छी आती है, इसमें इतने बेनिफिट मिलते हैं, तो आपका दोस्त भी उसको भी अच्छा लगता है कि यार इतने अगर अच्छे प्रोडक्ट है तो मैं भी लेना चाहूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो आपने उसको बताया कि अगर तू ये प्रोडक्ट लेता है तो तेरे को कैशबैक मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, पीवी मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा बिल भी मिलेगा, तो और पास में स्टोर है तू वहां से भी ले सकता है। तो अगर अजय भी आपकी तरह स्टार्ट करना चाहता है तो बेनिफिट क्या होगा, तो अजय मान लो वो भी 2000 का सामान लेके स्टार्ट करता है तो उसको भी किसने पीवी मिलेंगे, 60 पीवी, क्योंकि आपको भी तो 60 पीवी मिलेंगे तो उसको भी 60 पीवी उसके अकाउंट के अंदर ऐड होंगे। अब कंपनी क्या कहती है यहाँ पे, कंपनी यहाँ पे बताती है अगर आपने इतनी मेहनत की है, हमारी कंपनी का प्रमोशन किया है, हमारी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताया है लोगों को, आपने अगर किसी को एडवर्टाइज में हमारी कंपनी की है तो हम भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। और वो क्या हेल्प होगी, वो ये होगी कि जो 60 पीवी अजय को मिलेंगे वही 60 पीवी आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 60 तो पीवी आपके थे ही, लेकिन 60 पीवी अजय के ऐड हुए तो आपका टोटल हो जाता है 120 पीवी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपने क्या किया, एक ही महीने के अंदर कोई बी नाम का दोस्त था आपको, उसके बाद उसको भी विस्तृत के बारे में आपने समझाया, वो भी एग्री हो जाता है अजय की तरह, वो भी 60 पीवी का सामान लेके स्टार्ट करता है। उसी तरह आपने सी आपका कोई दोस्त है उसको भी आप स्टार्ट करवाते हो, और डी नाम का दोस्त है उसको भी आप मान लो
वेस्टेज की प्रोडक्ट स्टार्ट करवाते हो तो आपके टोटल 60 60 60 मतलब कि 180 पीवी हो जाते हैं, और 180 पीवी उनको तो मिलेंगी, लेकिन ये 180 पीवी आपके अंदर ऐड हो जाएंगे क्योंकि उनको तो पता नहीं था वेस्टेज क्या है। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, आपने सिर्फ गाइड किया, उसकी वजह से आपको कंपनी आपको बेनिफिट ये देगी कि वो सभी पीवी आपके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 60 आपके 120 पीवी तो थे ही, लेकिन 180 पीवी और ऐड होंगे और आपके हो जाते हैं 300 पीवी। जी हाँ फ्रेंड्स, और 300 पीवी मतलब कि 8% पहुंचना है तो आपको कितना पीवी करना पड़ेगा, 599 पीवी। लेकिन आप एक ही महीने के अंदर 280 पीवी कर लेते हो, आप पहुंच जाते हो कंपनी के अंदर 8%, और 8% पहुंचने के बाद आपको पता है कि आप बन जाते हो कंपनी के अंदर फास्ट 8%, और 8% पहुंचने के बाद कंपनी आपको डीपी रेट से 750 रुपीज की प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल देगी। उसकी एमआरपी होती है 950 रुपए, और आगे आपको एक आपके हिसाब आपके लेवल के हिसाब से 250-300 रुपए का आपको वाउचर मिल जाएगा, और आप बन जाते हो कंपनी के अंदर फास्ट 8% लेवल अचीव करते हो। आगे देखते हम, उसी तरह जैसे कि मैंने बताया आप 280 पीवी हो जाते हैं, आप फास्ट 8% पहुंच जाते हो और आपको कंपनी की ओर से ये बेनिफिट होता है। अब जैसे जैसे आप काम करते रहते हो, आप बन जाते हो कंपनी के अंदर ब्रांच डायरेक्टर, और ब्रांच डायरेक्टर बनने के बाद अब आपको कंपनी आपको बना आपको एक लेवल देती है कंपनी के अंदर ब्रांच डायरेक्टर, मतलब कि 5500 पीवी कंप्लीट आपके हो जाते हैं तो आप पहुंच जाते हो 11%। और ब्रांच डायरेक्टर बनने के बाद आपको एक नई इनकम आपके आपके ऐड होती है, वो है ब्रांच डायरेक्टर बोनस। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप ब्रांच डायरेक्टर बन चुके हो और पूरे महीने के अंदर आप यहां पे एक महीने के अंदर 2001 पीवी का अगर बिजनेस करते हो, अप्रोक्सली 60,000 का बिजनेस करते हो, तो आपको कंपनी एक नया बोनस देगी और वो है डायरेक्टर बोनस। जी हां फ्रेंड्स, मिनिमम 3500 रुपए से लेके मैक्सिमम आज लोग ले रहे हैं, तो आपका ये बोनस आप ले सकते हैं कब, जब आप ब्रांच डायरेक्टर बन जाओगे तब। इसी तरह आगे जाते हैं तो आपको एक नई इनकम आपके अकाउंट के अंदर ऐड होती है, वो है लीडरशिप होल्डिंग बोनस 16%। वो कैसे, जैसे कि आप ब्रांच डायरेक्टर बन गए, अब आपके नीचे भी अजय काम कर रहा था, अजय को भी लगा कि यार अगर ये मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ रहा है, अजय को भी आपको देख के इंस्पायर्ड हुआ, और अजय ने भी डिसाइड किया कि मुझे भी अच्छी तरह विस्तृत में काम करना है, मुझे भी टीम बनानी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो अगर अजय भी काम करते 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 ब्रांड डायरेक्टर बन जाता है, और उसकी टीम में से अगर आपको पूरे महीने के अंदर 5625 पीवी का वॉल्यूम मिलता है, और साइड में जो आपके दूसरे लेग है उसमें से आप 1801 पीवी मेंटेन करते हैं, तो आप कंपनी के अंदर बन जाते के एक नई इनकम लेने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, और आपका लेवल हो जाता है सिल्वर डायरेक्टर, और आपको एक नई इनकम मिलेगी, वो है लीडरशिप होल्डिंग बोनस। जी हां फ्रेंड्स, और विस्टिज की सबसे ज्यादा इनकम होती है तो एलओबी के अंदर होती है जो, और आपका चेक यहां पे बन जाएगा मिनिमम 15,000 से लेके मैक्सिमम आप यहां पे लोग इनकम ले रहे हैं, तो आपको ये इनकम लेने के लिए लीडरशिप होल्डिंग बोनस लेने के लिए आपको ये क्राइटेरिया मेंटेन करना है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सबका ड्रीम होता है फॉरेन ट्रिप का। यस फ्रेंड्स, सबका ड्रीम होता है फॉरेन ट्रिप का, और ये विस्टिज आपको साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप देती है। पहली फॉरेन ट्रिप जनवरी फरवरी में होती है, और दूसरी फॉरेन ट्रिप होती है जो यूरोप कंट्री की होती है, जो जुलाई अगस्त की होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मिनिमम पहले तो ब्रांच डायरेक्टर बनना है, और आपको एक दोस्त को ब्रांड डायरेक्टर बनाना है, और आपके साइड में से अगर आप 1801 पीवी मेंटेन करते हो तो आपका ट्रैवल फंड यहाँ पे 5% स्टार्ट हो जाएगा, और आप फॉरेन ट्रिप आने वाले टाइम में ले सकते हैं। इसी तरह सबका ड्रीम होता है अपनी खुद की कार। यस फ्रेंड्स, सबका ड्रीम होता है खुद की कार, और ये ड्रीम तो सबका होता ही है कि मेरी गाड़ी कब आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ब्रांच डायरेक्टर बनना है, आपके 3 फ्रंट लाइन के अंदर 3 फ्रेंड को हमें ब्रांच डायरेक्टर तक पहुंचाना है। तो आपका, और अगर आप साइड में 1001 पीवी मेंटेन करते हो तो आप विस्टिज के अंदर आपका लेवल होता है स्टार डायरेक्टर। फ्रेंड्स, अगर 3 लाइन जो आपकी फ्रंट लाइन है उसमें से आप 3 महीने तक 2001 पीवी मेंटेन करते हो, और साइड में आप 1001 पीवी मेंटेन करते हो, और 3 महीने लगातार आपने ये मेंटेन किया, तो 4th महीने से लाइफ टाइम तक
आपका कार फंड स्टार्ट हो जाएगा। जो मिनिमम फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं तो मिनिमम 3,000 रुपए से लेके मैक्सिमम आपको 80,000 रुपए तक मंथली आपको कार फंड मिलेगा। और आपको पता है इस कार फंड के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लीडर्स ने अपनी गाड़ी को अचीव किया है, तो आप भी इसी तरह ले सकते हैं। इसी तरह सबका ड्रीम होता है अपना खुद का घर। मेरा भी ड्रीम था जब डिस्ट्रिक्ट में मैं जुड़ा, तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रीम था अपना खुद का घर। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ब्रांच बनना है पहले, और आपके 6 फ्रंट लैंड के अंदर 6 लोगों को ब्रांच डायरेक्टर तक पहुंचाना है, और 3 महीने तक इन 6 लाइनों के अंदर आपको मिनिमम 2,000 एक्वीवी मेंटेन करना है। तो 4th महीने से आपको लाइफ टाइम तक हाउस फंड 3% स्टार्ट हो जाएगा, जी मिनिमम 3,350 से लेके 1,00,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा, और आप इस इनकम से आपका खुद का अपना घर बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स ओके, तो ये और आपका लेवल हो जाएगा यहाँ पहुंचने के बाद क्राउन डायरेक्टर, जो आज मेरा लेवल है, तो आप भी अपना हाउस फंड इस तरह ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विस्टिज में से आज करीबन बहुत सारे लोगों ने आज 8 लाख 10 लाख 15 लाख की गाड़ियां अचीव की है। डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 6,000 से ज्यादा लोगों ने आज विस्टिज में से गाड़ियां ले चुके हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये हमारे कंपनी के विस्टिज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जो मिनिमम यहाँ पे 25 लाख से लेके 1 करोड़ की इनकम पर मंथ ले रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे लीडिंग लेडीज ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा इनकम ले रहे हैं विस्टिज में से। और आपको दिखाना चाहूंगा, ये सिद्धार्थ सिंह है, ये विस्टिज कंपनी के एम्बेसडर है। और मैं इतना ही नहीं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ विस्टिज के नहीं लेकिन एशिया के टॉप अर्नर है, और आज पर मंथ 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं विस्टिज में से। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा एक और है यहाँ पे, जो हमारे सीनियर ग्रेट हमारे मेंटोर दीपल नीले पत्रावाला, ये वैसे पाटन गुजरात के हैं लेकिन अभी बॉम्बे के अंदर रहते हैं, और पर मंथ 45 लाख से ज्यादा की आज अर्निंग कर रहे हैं। इतने नहीं फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा मैं अगर सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ, ये भी हमारे एक सीनियर है ईश्वर भाई पटेल, जो गुजरात के हैं और एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी विस्टिज की जर्नी स्टार्ट की। और मैं बताना चाहूंगा जब स्टार्ट किया उससे पहले वो खुद एक प्रोविजन स्टोर चला रहे थे, और पर मंथ 10-15 हज़ार रुपये इनकम ले रहे थे। उन्होंने विस्टिज प्लान देखा, विस्टिज का पूरा समझा, उसके बाद एक डिसीजन लिया कि मेरे बहुत सारे सपने हैं और वो कहीं ना कहीं सपने मेरे इस प्रोविजन स्टोर में से पूरे नहीं होंगे। उन्होंने एक डिसीजन लिया और प्रोविजन स्टोर को बंद करके फुल टाइम विस्टिज करना स्टार्ट किया। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे, उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, लेकिन इनको ट्रस्ट था विस्टिज के अंदर, और ज्यादा कोई इनके पास एजुकेशन नहीं था, और उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि 3-4 साल के बाद उन्होंने विस्टिज में से अपना ड्रीम, आप देख सकते हैं ड्रीम कार को अचीव किया, मर्सिडीज बेंज। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि, और आज मैं अगर बताना चाहूंगा तो उनकी इनकम है पर मंथ 14 से 15 लाख रुपए, और करीबन 20 कंट्री से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। और इनका आने वाला ड्रीम है कि मुझे विस्टिज में से हेलीकॉप्टर लेना है। यहाँ फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, एक सिंपल इंसान अगर यहाँ पे सक्सेस हो सकता है तो हम सभी लोग सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन पर्सन है ये। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनके पास कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा हमारे एक और सीनियर है कल्पेश राठौड़ सर, तो खुद नड़ियाद से है, और इन्होंने भी एक बिजनेस को स्टार्ट किया उससे पहले। ये इनकी भी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली थी, और इन्होंने भी विस्टिज को स्टार्ट किया, और आज करीबन विस्टिज में से 9 से 10 लाख की इनकम है विस्टिज में से, और उन्होंने भी एक लग्जरी कार यहाँ पे ऑडी अचीव की है। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स चिराग पांड्या सर, ये भी हमारे सीनियर है, अहमदाबाद के है, और अच्छी बैंक सेक्टर में काम कर रहे थे, अच्छी जॉब थी, अच्छा पैकेज था, फिर भी उनको पता चला कि यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और उन्होंने विस्टिज को स्टार्ट किया, और आज आप देख सकते हैं कि वो भी 10 लाख से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं, और उनके पास भी एक 70 लाख प्लस की उन्होंने भी मर्सिडीज बेंज अचीव की है। और आप देख सकते हैं एक और हमारे सीनियर है मिस्टर गुंजन पटेल, जो खुद यहाँ पे अहमदाबाद के हैं, और ये भी
और उनका भी रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस था अहमदाबाद के अंदर, उन्होंने भी विस्टेज को स्टार्ट किया और आज करीबन करीबन 7 से 8 लाख की इनकम ले रहे हैं। और मैं भी थैंक्स कहना चाहूँ, ये मेरे सीनियर, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की और मैं भी आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो इसी तरह मैं बताना चाहूंगा, एक जितेंद्र यादव सर करके हमारे दोस्त है, और उन्होंने भी वो गांधीनगर के अंदर रहते हैं, उन्होंने वो भी एक आरटीओ में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया और आज करीबन 7 से 8 लाख की इनकम वो भी ले रहे हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं ना सिक्योरिटी क्या है, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस की सबसे बड़ा, ये बिजनेस इसीलिए करना चाहिए कि हमारी लाइफ की सिक्योरिटी यहाँ पे बनती है। आप जो दो लोगों के फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला नाम है चंदीमल पाटिल सर, जो खुद विस्टिज में काम कर रहे थे और उनको एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, तब उनकी इनकम थी, उनका लेवल था क्राउन डायरेक्टर, उनकी इनकम थी 60,000 प्लस, और आज वो खुद यहाँ पे नहीं है, फिर भी उनकी 1.5 से 2 लाख की इनकम पर मंथ हो रही है फ्रेंड्स। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये है सिक्योरिटी विस्तृत की। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, एक दूसरे इंसान है जिनका नाम है सुदर्शन मोहंती सर, और वो भी काफी टाइम से विस्टेज में काम कर रहे थे, काफी टाइम उन्होंने काम किया, और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उनका उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद आप देख सकते हैं, जब डेथ हुई तब उनकी इनकम थी 10, 10.5 लाख रुपए, और आज वो खुद यहाँ पे नहीं है, फिर भी उनकी इनकम 13.5 लाख से ज्यादा की है, 13 लाख प्लस इनकम पर मंथ आज उनके घर में जा रही है। करीबन 2 साल का टाइम भी हो चुका है, वो चले गए हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, ये है सिक्योरिटी। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, सबको एक दिन ऊपर जाना है, यस या नो? यस, हमें सबको ऊपर जाना है, तो आपके साथ क्या आएगा, आपके साथ क्या आने वाला है? ना पैसे आएंगे, ना गोल्ड आएगा, ना कपड़े आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, हमारे साथ एक ही चीज आएगी, वो है आपका नाम। तो फ्रेंड्स आप ऐसा कुछ करके जाइए कि पीछे पिछली पीढ़ी वाले आपको याद करें कि वो बंदा था, उसने ऐसे काम किया और आज उसका बेनिफिट हम भी ले रहे हैं। तो ये है सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी आप पे डिपेंड है, आप बना सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से। फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 स्टोर बताए गए हैं। पहला स्टोर है ऑर्डिनरी स्टोर, मतलब कि जो आपके आसपास का स्टोर, आप जहाँ से सालों से सामान यूज करते हो, लाते रहते हो। दूसरा है मॉल, तीसरा है वेस्टिज। अब इन तीनों में से हमारे लिए, आपके लिए कौन सा बेटर है, वो आपको समझना है। पहला मैं बताना चाहूंगा, जो ऑर्डिनरी स्टोर बोलते हैं, जो हमारे आसपास जो किराना का स्टोर रहते हैं, हम वहां से सामान लाते हैं, चलो मुझे बताओ वहां पर कोई गारंटी मिलती है? जी हाँ फ्रेंड्स, कोई गारंटी नहीं मिलती है। अच्छा, मॉल में कोई गारंटी मिलती है? नहीं, वहां पर भी नहीं मिलती है। और वेस्टिज में यहाँ पे जी हाँ फ्रेंड्स 30 डे मनी बैक गारंटी है, हमारी हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है 100% सेटिस्फाइड गारंटी। आप प्रोडक्ट यूज करो, आपको अच्छा नहीं लगता है वो प्रोडक्ट, तो आप रिटर्न, जो भी कंपनी की पॉलिसी है उस हिसाब से आप रिटर्न कर सकते हैं। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा, जीएसटी बिल क्या आपको मिलता है? ऑर्डिनरी दुकान के अंदर कभी भी आपको जीएसटी बिल नहीं मिलेगा और नहीं मिलता है। मॉल के अंदर यस मिल जाता है, और जबकि यहाँ पे अगर आप एक साबुन बिल लेते हो तो आपको जीएसटी वाला बिल आपको मिलता है। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट आपको मिलता नहीं है ऑर्डिनरी के अंदर, मॉल में मिल जाता है। जबकि वेस्टिज के अंदर एवरी मंथ आपको 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। जबकि मैं बताऊं स्कीम ऑफर, तो ऑर्डिनरी दुकान के अंदर कोई शॉप कोई स्कीम ऑफर नहीं होती है, जबकि मॉल के अंदर मे बी होती है, मिल जाती है, और यहाँ पे एवरी मंथ 10% आपको स्कीम ऑफर मिलती है। जबकि इनकम की बात करूं फ्रेंड्स, तो ऑर्डिनरी दुकान में आप, हमने सालों से सामान यूज किया लेकिन कोई इनकम नहीं हुई आज तक, और मॉल के अंदर भी नहीं होगी। जबकि विस्टिज का सामान अगर आप यूज करते हो और किसी को बताते हो, तो आपको 9 टाइप की, 1, 2, 3 नहीं, 9 टाइप की आपको इनकम मिलेगी। तो आप सब समझदार है, आप सब एजुकेटेड है, तो आपके लिए क्या बेटर है वो आपको खुद को डिसाइड करना है। क्या कर मैं बताना चाहूंगा, जर्नी यहाँ पे बताइए, अगर आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाना चाहते हैं, तो आप सब जानते हैं वहां पे एक एक्सप्रेस हाईवे है, कभी यू टर्न नहीं आता है, आप जैसे ही अहमदाबाद से निकलोगे तो बड़ौदा पहुंचोगे। लेकिन मुझे बताइए फ्रेंड्स, अगर आप साइकिल लेके वहां पे निकलते हो अहमदाबाद से बड़ौदा जाने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा? आप पहुंचने तो वाले ही हो, वैसे भी आप चल के जाओगे तो भी पहुंचोगे, साइकिल लेके जाओगे तो भी पहुंचोगे, बट होगा क्या कि आपका टाइम लगेगा, आप वहां पे 1 दिन भी लगेगा, 2 दिन भी लगेगा, पता नहीं ये चेन कितनी खराब हो जाए, टायर कितने खराब हो जाए, आप कितने थक जाओ, लेकिन मुझे बताइए आप पहुंचोगे तो सही ना?
इसी तरह अगर आपने आज एक डिसीजन लिया है विस्तृत में काम करने का, 5% आपने स्टार्ट किया है, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप सिर्फ सामान यूज करते रहोगे तो भी 11% पे तो पहुंच ही जाओगे। जैसे अहमदाबाद से बड़ोड़ा जाते हैं तो किलोमीटर के अलग अलग वार्ड आते हैं, तो उसी तरह आप भी आपने ऐप से स्टार्ट किया तो 5 से 8%, 10% और फिर 11%, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचने वाले ही हो। फ्रेंड्स मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि करना क्या है। करना सिर्फ इतना है, आपको अच्छे अच्छे 6 लोगों को सिर्फ विस्तृत बिजनेस के बारे में बताना है। 6 ऐसे लोग कि जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे 6 लोगों जो कमिटेड है, ड्रीमर है, रीजनेबल है, ऐसे 6 लोगों को सिर्फ हमें विस्तृत के बारे में प्रॉपर वैसे समझाना है और उनको ये बताना है कि आप अगर विस्तृत का सामान लेते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है, अगर आप किसी को शेयरिंग करते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है, तो अगर उनको भी अच्छा लगता है तो फिर उनको भी बताना है कि आपको आगे 6 लोगों को शेयरिंग करना है तो कितने हो गए 36। अगर वो 6 लोगों को शेयरिंग करते तो 216 हो जाते हैं, 1296, 1555 की टीम होती है और ये 1555 लोग अगर उनके घर के अंदर तेल, शैम्पू, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ये सभी जो एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे घर के लिए, अगर वो मिनिमम 1000 का भी शॉपिंग करते तो पहले उनको क्या बेनिफिट है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो उनको बेनिफिट हो जाता है 20% डिस्काउंट, 10% स्कीम, मतलब 30% बेनिफिट तो उनको हो जाएगा जो यूजर है, जो कंज्यूमर हमारी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर इतने लोग अगर इतना सामान लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 2,40,000 से ज्यादा की इनकम आपके अकाउंट के अंदर होती है। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ये 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं है, तो हर एक बंदा, हर एक लोग एक जैसे नहीं होंगे। तो मैं तो इतना ही बताता हूं, अगर आपने इस काम को स्टार्ट किया 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद भी अगर 500 लोगों की टीम बनती है आपके डाउन के अंदर, और कोई 1000 का सामान लेता है, कोई 800 का लेता है, कोई 500 का लेता है, कोई नहीं भी लेता है, तो भी अगर विस्टिज में मिनिमम पार्ट टाइम काम करने के बाद बिना इन्वेस्ट करके अगर महीने का 30,000-40,000-50,000 रुपए की इनकम आमदनी होती है तो ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं मेरी ट्रेनिंग के अंदर एक एग्जांपल जरूर देता हूं और उस एग्जांपल से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं इस बिजनेस को करने के लिए, और वो है ताश के पत्ते होते हैं। उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पेज होते हैं, 52 पेजेस होते हैं, उसमें एक-एक कितने होते हैं? 4 एक-एक। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 एक-एक होते हैं 52 पेज के अंदर, लेकिन होते तो है ही ना। जी हाँ होते हैं, लेकिन आपको पता है वो 4 एक-एक कब मिलेंगे? 10वें पेज पे मिलेगा एक का, 25वें पे मिलेगा, 35वें पेज पे मिलेगा या 50वें पेज पे एक का मिलेगा, आपको पता होता नहीं है। अगर आपको एक का लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गेम को सर्च करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद ही आपको एक के मिलेंगे। इसी तरह सबकी लाइफ के अंदर ये 6 बंदे तो ऐसे होते ही है जो आपको सक्सेसफुल बना देते हैं, लेकिन वो 6 बंदे कब, कौन सी दिशा में, कब, कितने टाइम पे मिलेंगे वो आपको पता नहीं होता है। किसी को यहाँ पे लिखा नहीं होता है कि ये काम बंदा करेगा या नहीं करेगा, ये विस्तृत में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा काम है एवरीडे 2 से 3 लोगों से बात करना, विस्तृत की इंफॉर्मेशन देना, विस्तृत के बारे में समझाना, करना नहीं करना, करे तो बेस्ट, नहीं करे तो नेक्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपकी भी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, आप भी कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपका नेटवर्क आपको भी पता नहीं होगा। तो लेकिन हमें एवरीडे वर्क करना पड़ेगा, एवरीडे हमें नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब जाके ये सब संभव है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके भी सपने तो आप कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मेरी एज छोटी है, मैंने कोई बड़े बिजनेस तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैंने काफी सारे लोगों से काफी कुछ सीखा है मेरी छोटी एज के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर लोगे, बड़ा पैसा भी कमा लोगे, तो वहां से आपको 2 या 3-4 बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो,
और यहाँ पे कामयाब होते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट होते हैं जो कोई भी वर्ल्ड के बिजनेस में से नहीं होते हैं, जो आपके आपके साथ मैं शेयरिंग करना चाहूंगा। पहला बेनिफिट, स्वस्थ जीवन। जी हाँ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कभी भी वेस्टीज की प्रोडक्ट इतनी शानदार है, मैं खुद 3 साढ़े 3 4 साल से यूज करता हूँ, मुझे कभी याद नहीं आता कोई इन्फेक्शन हुआ हो। तो ये पहला तो हेल्थ, और हेल्थ इज वेल्थ, तो आपको एक स्वस्थ रखेगी। दूसरा, सुरक्षित जीवन, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। जिस तरह मैंने बताया, काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो काम नहीं, अब आज वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी आप उनकी इनकम, उनकी आमदनी चालू है। तो एक सिक्योरिटी आपको आप बढ़ाते हैं यहाँ पे। और मैं भी अगर मैं बताऊं तो फ्रेंड्स, मैंने भी कोविड के अंदर फील किया कि मैंने काम नहीं किया 2-3 महीने, तो भी मेरी इनकम हुई यहाँ पे। सामाजिक सम्मान, जी हाँ फ्रेंड्स, सामाजिक सम्मान इतना मिलेगा कि जितना नेता और विजेता को नहीं मिलता, उतना मान सम्मान आपको यहाँ पे विस्तृत बिजनेस में से मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और काफी सारे लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आते हैं, मान सम्मान को देख के आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मन चाहा पैसा, जी हाँ फ्रेंड्स, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना पैसा चाहिए। समय की आजादी, जी हाँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हम हमारे बॉस होते हैं, हमारा नो बॉस नो लॉस। मुझे जब भी लगे, मुझे मुझे आज मैं इतनी छोटी एज के अंदर मैं फ्रीडम था फील करता हूँ। मुझे जब भी लगे, मुझे लगे कि मुझे सुबह काम करना है तो मैं सुबह करता हूँ, मुझे अच्छा लगे मुझे दोपहर को करना है तो मैं दोपहर को, मुझे लगे मुझे रेस्ट करना है तो मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मुझे लगे मुझे घूमने जाना है तो मैं घूमने जा सकता हूँ। एनी टाइम एनी वेर ये काम कर सकते हैं कभी भी। जी हाँ फ्रेंड, तो ये फ्रीडम था हमें मिलती है। और खास करके यंगस्टर को मैं बताना चाहूंगा कि वो आज कोई यंगस्टर ऐसा नहीं है वो चाहता है कि अपना अपने बॉस को पसंद करता हो, राइट। तो यहाँ पे हम हमारी फ्रीडम तक को क्रिएट कर सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास, या हमारा डेवलपमेंट इतना होगा जो चाहे फ्रेंड्स, अगर मेरा क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे फार्मेसी किया, उसके बाद मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया, कॉलेजेस की ग्रेजुएशन किया, जॉब की, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिला था, कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था जिन्होंने मुझे बताया होगा कि आपके गोल क्या है लाइफ के, वो उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, आपका विजन कैसे बढ़ा सकते हैं, आप ड्रीम कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी सिस्टम से मुझे ये सब कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और लास्ट में, बेहतर जीवन शैली फ्रेंड्स, योर लाइफ स्टाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, आप की तरह लाइफ स्टाइल बनानी है, और आप हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई कामयाबी सक्सेस है तो वो है किसी के लिए इंस्पायर बनना, इंस्पिरेशन बनना। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट यहाँ से होंगे। इसी तरह देखो, मैं फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि हर काम की एक सिस्टम होता है, हर एक काम की एक सिस्टम होती है। जो भी काम आप करते हो तो उसकी सिस्टम होती है, सिस्टम के बिना कोई काम होता नहीं है। तो उसी तरह अगर विस्तृत में भी आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और ये सिस्टम अगर आपने जान ली और आपने प्रॉपर वे से इसको फॉलो किया तो आप 100% जल्दी से जल्दी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। और जैसे कि मतलब मैं बताना चाहूंगा कि हर एक काम की सिस्टम होती है, उसी तरह मैं बताना, अगर ट्रेन है, ट्रेन सालों से पटरी पे चल रही है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार ट्रेन पटरी पे ही क्यों चलती है, उसको चलो ना हम हाईवे पे चलाते, तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी फ्रेंड्स। गाय होती है, भैंस होती है, उसको दोना पड़ता है, लेकिन क्या मुझे बताइए कि नीचे अगर हम बाल्टी रख देते तो क्या दूध आ जाएगा? नहीं आएगा, हमें उसको निकलना पड़ेगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हर एक काम की सिस्टम होती है। विस्टिज में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिस्टम छोड़ देते हैं, सिस्टम जानते नहीं है, सिस्टम से वर्क नहीं करते, अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो मैं और ऐसे बहुत सारे लोग आप मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी और वो बोलेंगे मैंने विस्तृत किया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और जब आप पूछोगे कि आपको पता है विस्तृत का सिस्टम क्या है, तो वो एक जो हमारे सिस्टम के कुछ स्टेप है उसमें से एक भी स्टेप उनको पता नहीं होगा, और वो बोलेंगे विस्तृत में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है, हम सक्सेस नहीं होते हैं। तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप विस्तृत को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि विस्तृत क्या है, विस्तृत की सिस्टम क्या है और कैसे काम करना है। तो पहला काम करना है आपको यूज द प्रोडक्ट, पहला स्टेप है। तो आपको पहले सभी प्रोडक्ट आपको यूज करना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको प्रॉपर वे से क्वालिटी क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, आपको ट्रस्ट आएगा, और ट्रस्ट आएगा तो आप किसी के साथ शेयरिंग कर पाओगे। गलत हमें नहीं बोलना है, गलत मार्केटिंग नहीं करना है, यूज करो, यूज कर से आपको क्वालिटी का पता चलेगा। शेयर द प्रोडक्ट, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है, जिसको आप मानते हो आपको अच्छी लगती है,
उसको शेयरिंग करो लोगों के साथ। तीसरा काम करना है लिस्ट बनाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, लिस्ट रेडी करना है कि आपके आसपास, आपके दोस्त में, आपके सर्कल में कितने ऐसे लोग हैं जो ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, उनको इन्वाइट करना है, इन्विटेशन देना है हमारे बिजनेस के लिए, और उसके साथ आपको मीटिंग करना है। अगर आप नए हो तो आपके अपलाइन के साथ, आपके आप टीम लीडर के साथ आप मीटिंग करवा सकते हैं। फिर टीम वर्क करना है, उनको तैयार करना है, एजुकेटेड करना है, और फिर करना है लास्ट काम फॉलोअप। फॉलोअप अगर आप किसी को समझाते हैं तो उनको 24 घंटे के अंदर पूछ लीजिए आपको क्या करना है, कैसे करना है या नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अभी इग्नोर करेंगे, आपको मना करेंगे नहीं करना, लेकिन वो हो सकता है कि बाद में आपकी सक्सेस देखो आपके साथ ज्वाइन हो। तो ये 7 काम है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 110% बेसिस में सक्सेसफुल हो सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने भी ये काम करके, सिस्टम को फॉलो करके आपके सामने आप देख सकते हैं कितना अचीवमेंट लिया है। पेप से लेके एक्टिवा, एक्टिवा से लेके कार, कार से लेके 4 बार फॉरेन ट्रिप, उसके बाद सबका ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था, और आज मैं करीबन करीबन खुद का अपना घर भी बना चुका हूँ। और दोस्तों मैंने बताया उसी तरह आज मैं टोटल 95 लाख प्लस अर्निंग में विस्तृत बिजनेस में से कर चुका हूँ दोस्तों। तो ये मेरा सक्सेस है, मैंने अगर मैं कर सकता हूँ छोटी एज के अंदर, तो आप भी सभी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप डिसीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले 3 साल अगर कमिटेड लेके काम करोगे तो आपके लाइफ के जितने भी ड्रीम हैं, आपने जो देखे आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए, वो सभी ड्रीम आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और मैं जितने भी यंगस्टर हैं उनको बताना चाहूँगा कि कुछ एज अ कैरियर करना चाहते हो, एज अ कैरियर किसी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, छोटी एज में मेरी तरह सभी सपने पूरे करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और वो आप एक डिसीजन लेके स्टार्ट करिए, कमिटेड रहिए, और फेथ रखिए अपने आप पे, काम करते रहिए, आगे बढ़ती है, आप 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और ये दो चीज एक साथ लाइफ में कभी रहती नहीं है, एक्सक्यूज और दूसरा है डिसीजन फ्रेंड्स। इस दुनिया के अंदर जितने भी असफल लोग हुए हैं उनके पास एक चीज थी, वो है एक्सक्यूज। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक्सक्यूज रखो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे काम का नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये सब क्या है एक्सक्यूज, और ये सब रखोगे तो कभी आप सफल नहीं होगे। और एक बात और है कि जो भी इस दुनिया के अंदर सफल हुए हैं, जितने भी लोग हैं, आप उन सबकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनके पास एक पॉइंट पे उन्होंने काम किया है, वो है डिसीजन। उनकी लाइफ में कभी एक्सक्यूज नहीं था, तो सिर्फ डिसीजन कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसीलिए वो आज सफल हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी एक स्ट्रांग डिसीजन करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दू तो जब महात्मा गांधी हमारे देश, आप जानते हो महात्मा गांधी के बारे में और मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको जब अंग्रेजों ने ट्रेन में धक्का देके फेंक दिया।